बस एक दिन, पांच के दिन, जस्ट बी पॉजिटिव। चलो वापस चलते हैं। लव यू भज्जी। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्की बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनके रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कल्की फिल्म के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, वही पिछले हफ्ते रिलीज हुई मिस्टर एंड मिसेस माही के 10 दिनों के कलेक्शन, तो मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी के 17 दिनों के कलेक्शन और इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मुंजिया के भी 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में, जिस फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर देखने को मिले थे। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त दूसरा वीकेंड चल रहा है और फिल्म ने आज 10 दिन पूरे कर लिए हैं। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 10 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों में 26 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी, वही फिल्म ने अपने 9वें दिन 2 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की और ये मूवी आज यानी कि अपने 10वें दिन लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही का जो 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका है 31 करोड़ 18 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 37 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 7 करोड़ 25 लाख रुपए की टोटल कमाई की और इसी के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 44 करोड़ 35 लाख रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, जितना फिल्म का बजट है उससे ज्यादा कमाई ये फिल्म दुनिया भर में कर चुकी है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल करने के लिए अभी तो और ज्यादा कलेक्शन करना होगा। वही दोस्तों अब अगर बात करें 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई बॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म भैया जी के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे मनोज वाजपेयी और इस मूवी को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 3रा हफ्ता और दोस्तों 3रा हफ्ता आते आते ये फिल्म पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त इस मूवी के पास काफी कम स्क्रीन रह गई है क्योंकि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की नई नई फिल्मों ने पूरी स्क्रीन इस फिल्म की अपनी ओर खींच ली है। वैसे भी दोस्तों फिल्म के जो कलेक्शन है फर्स्ट वीक में भी ज्यादा नहीं रहे थे, दूसरे हफ्ते में भी फिल्म के कलेक्शन काफी कम आए और तीसरे वीकेंड में तो ये फिल्म दम तोड़ चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के यानी 17 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो भैया जी फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 9 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे हफ्ते में 3 करोड़ 28 लाख रुपए और तीसरे वीकेंड में तो ये फिल्म लगभग सिर्फ 85 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ भैया जी का 17 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ 16 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 64 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ भैया जी का शुरुआती 17 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17 करोड़ 6 लाख रुपए का हो चुका है। बता दूं दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। लेकिन अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म मुंजिया के बारे में, तो हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका कर दिया। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट कम है, फिल्म में ना तो कोई बड़ा स्टार है और ना ही फिल्म का कोई बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया था, उसके बावजूद भी जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तब से हर दिन सबको सोख देती जा रही है, क्योंकि दोस्तों सबको क्या लगा था कि फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का रहेगा, लेकिन फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन ही सबकी उम्मीदों से डबल से ज्यादा रहा। अब सेकंड डे भी इस फिल्म के कलेक्शन में गजब की ग्रोथ देखने को मिली और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से फिल्म का सेकंड डे का कलेक्शन भी और लोगों की उम्मीदों से ज्यादा आया। लेकिन दोस्तों आज तीसरे दिन तो संडे यानी कि हॉलीडे होने की वजह से फिल्म ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े सिनेमाघरों को हाउसफुल कर दिया और जितना इस फिल्म का बजट है उतनी कमाई तो यह फिल्म सिर्फ 3 दिनों में कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि यह मूवी अभी तो बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई करती जाएगी और शायद इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म का टैग अपने नाम कर लेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मुंजिया फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन 4 करोड़ 21 लाख रुपए की शानदार कमाई
कमाई की, वही दूसरे दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़कर रहा और फिल्म ने दूसरे दिन 7,50,00,000 रुपए की शानदार कमाई की। अब बात करें दोस्तों इस फिल्म के आज यानी कि तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज संडे है, जिसके चलते फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज की ऑक्यूपेंसी तो पहले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, साथ ही साथ इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी काफी शानदार और जबरदस्त हो गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक मुंजिया फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़ का कर रही है। जी हां दोस्तों, फिल्म तीसरे दिन डबल डिजिट में कमाई करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ मुंजिया फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 21,71,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 25,82,00,000 रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म को ओवरसीज मार्केट में काफी कम स्क्रीन में रिलीज किया गया है और फिल्म ने ओवरसीज से अभी तक सिर्फ 1,31,00,000 रुपए टोटल कमाए। इसी के साथ मुंजिया फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 27,13,00,000 रुपए का हो चुका है। तो फिल्म के वीकेंड की कमाई तो काफी जबरदस्त है। आप देखते हैं कि कल से वीकडे शुरू हो जाएंगे तो कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा होल्ड बना के रखती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस साल की सबसे महंगी फिल्म कल्कि के बारे में। नाग अश्विनी के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म कल्कि, जिस फिल्म में पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण, लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन और कमल हसन हमें देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म में दिशा पाटनी भी एक स्पेशल कैमियो में नजर आएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर कल्कि फिल्म को रिलीज होने में अब समय बचा है सिर्फ 18 दिनों का और दोस्तों दिन पे दिन इस फिल्म का जो बज है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर साफ पता चलता है कि यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी और अगर लोगों को यह फिल्म पसंद आ गई तो शायद इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टैग भी अपने नाम कर लेगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर कल्कि फिल्म का ट्रेलर आएगा कल और बिना ट्रेलर देखे ही इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है लोगों ने भर भर के कर ली है। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कल्कि फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी तक हमारे देश हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म की ओवरसीज बुकिंग को तीन दिन पहले शुरू कर दिया था और वहां से फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर है। दोस्तों आपको बता दें कि कल्कि फिल्म की ओवरसीज मार्केट में अभी तक एडवांस बुकिंग में टोटल टिकटें 19,546 बुक हो चुकी है, जहां से फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन डॉलर में 6,33,000 का हुआ है। वही अगर बात करें इंडियन करेंसी के हिसाब से तो दोस्तों इंडियन रुपीस के हिसाब से कल्कि फिल्म का जो ओवरसीज का एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 5,28,00,000 रुपए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों फिल्म अभी से ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। तो दोस्तों अभी तो फिल्म को रिलीज होने में लगभग 3 हफ्ते बाकी और ये मूवी एडवांस बुकिंग में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। तो सोचिए कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना खतरनाक आएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालांकि दोस्तों इंतजार है कल का यानी कि 10 जून का और कल इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का टीजर जिस तरह से जबरदस्त था उसी तरह फिल्म का ट्रेलर भी धमाकेदार हो और इस मूवी को प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है प्रभास की फिल्म कल्कि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितनी कमाई कर पाएगी कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।